आज हम लेकर आए शार्क टैंक में आज दरियागंज रेस्टोरेंट का खाना जो कि अपने आप को दाल मखनी और बटर चिकन का ओरिजिनेटर कहते हैं, और हम लेकर आए हैं मोती महल डीलक्स का खाना जो भी अपने आप को दाल मखनी बटर चिकन का ओरिजिनेटर कहते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो आज टेस्ट में पता लगाते हैं कि भाई असली ओरिजिनेटर आखिर है कौन। तो भाई वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों में ना आपसे कुछ रंजिश और भजड़ चल रही है। मैंने भी जब जब गूगल करके पता करने की कोशिश करी है ना, किसी आर्टिकल में दरियागंज का नाम आता है तो किसी आर्टिकल में दरियागंज के मोती महल का नाम आता है। मतलब दिल्ली में एक जगह है दरियागंज, वहां पे रेस्टोरेंट है मोती महल, और ये रेस्टोरेंट दरियागंज में नहीं है लेकिन इसका नाम दरियागंज है। अब इस कंफ्यूजन की सच्चाई क्या है अभी पता लगा लेते आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास तंदूरी चिकन बचा हुआ था, हमने उसको टमाटर की ग्रेवी में डाला और हमने बटर चिकन का इजाद कर दिया। दोनों की सेम स्टोरी है, घिसी पिटी, लेकिन असली किसकी है किसी को भी नहीं पता। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी सारी कंप्लेंट दूर कर दी है और दोनों रेस्टोरेंट से बिल्कुल सेम आइटम्स ऑर्डर करे हैं क्योंकि दोनों की स्पेशलाइजेशन ही सेम आइटम्स है। लेकिन मेरे को यहाँ पे तीन चीजें क्यों दिख रही है, तीसरी चीज क्या है? बटर चिकन दाल मखनी और बटर चिकन दाल मखनी पनीर मखनी इसमें भी है। पनीर मखनी क्यों डलवा दी साले, बजट बढ़ाता रहता है वीडियो का, दो चीजों पे बन तो नहीं थी। अबे दो चीजों का कंपैरिजन था तो सही भाई, तीसरी क्यों ऐड करी भाई? ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल तो पूरी इनकी दुकान है, पूरी दुकान मंगा देता क्या? मखनी का ओरिजिनेटर है वही तो बटर चिकन, और तो बटर चिकन है तो सही हमारे पास, पनीर मखनी को कहू गिव्स अ शिट अबाउट पनीर मखनी। 1823 का डिफरेंस दरियागंज में और मोती महल में 700 रुपए का डिफरेंस है। मोती महल 700 रुपए सस्ता है। वैसे यही सस्ता बन आप इनकी ब्रांडिंग और इनकी पैकेजिंग में भी देख पाओगे। इनके कंटेनर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से पैक हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहे हैं, जबकि ये आपको सड़क साइड वाले किसी रेस्टोरेंट की पैकेजिंग लग रही है। ये इनफैक्ट सिर्फ अभी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में ही है और ये इंटरनेशनल भी अपनी ब्रांचेस खोल चुका है। मतलब ये ज्यादा पुराना है मेरे ख्याल से, ये बाद में आया था ना। हाँ, उन्होंने टैंक में बोला भी था कि हमारी रेसिपी थी, फिर हमने सोचा दादाजी की रेसिपी पे 2019 में रेस्टोरेंट खोलते हैं। भाई बाद में कौन जागता है यार, मुझे लगता है ना इसमें भी एनिमल की तरह बाप बेटों की वो रंजिश होगी। वैसे मेरे को एक बात बताओ, इस चीज में कोई कोर्ट केस नहीं होता कि कोई बोल दे कि भाई हमारी ओरिजिनल है, तो कोई पीछे जाके चेक करके केस नहीं करता कि हमारी ओरिजिनल रेसिपी है? अबे तू सब छोड़, फैसला पता कैसे होगा? हम करेंगे फैसला टेस्ट से। साले और सड़क छाप कंटेनर नहीं थे कैन पे, यूएस में इस पैकेजिंग में भेज दिया ना, वापस भेज देंगे वो इंडिया। ये देखो इसमें साथ में प्याज आए हैं, सैल्मन वाले प्याज, नहीं नहीं सिरके वाले प्याज। रोटी कहाँ है? एक भी रोटी नहीं आई है भाई, की भूल गया गलती से। पनीर मखनी तेरे को याद थी, मैं रोटी भूल गया, पनीर मखनी डाल दी, रोटी भूल गया। तो रोटी का कंपैरिजन इंपॉर्टेंट था कि पनीर मखनी का? पनीर मखनी का, रोटी ओरिजिनल क्लेम नहीं कर रहे। चलो भाई ट्राई करते हैं। ये देखो ये इस साइड वाली, राइट साइड वाली मेरी है मोती महल। चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं बटर चिकन, पनीर मखनी ट्राई करते हैं। अब चुप कर भाई, डिश का जब मीठी ग्रेवी वाला बटर चिकन है और इस टाइप का बटर चिकन ही मुझे पसंद है। पर भाई ऑनेस्टली बोलूं तो इससे बेटर और इससे प्रीमियम बटर चिकन ने मैंने खा रखा है। अगर ये अपने आपको ओरिजिनल बता रहे हैं तो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं उनके सामने। बटर चिकन मेरे को बुरा नहीं लगा, चीज काफी टेस्टी थी, ये ट्राई करते। मैं चाहता नहीं हूँ कोई भी दिक्कत हो, तो हम लोग अपनी जीभ साफ कर लेंगे, पैलेट क्लेंजिंग, क्योंकि दोनों की डिशेस की शक्ल बड़ी डिफरेंट है। हालांकि इस स्टाइल का बटर चिकन आपको सिर्फ इनके यहाँ ही दिखेगा, लेकिन इस स्टाइल का आपको हर जगह दिख जाएगा। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप है। इसमें तो ऐसा लग रहा है टमाटर को ढंग से पकाया भी नहीं है, स्पेशल टमाटर खुद उगाते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, टेस्टी तो ये बटर चिकन भी है। हालांकि दोनों की डिशेस में, दोनों के टेस्ट में ना बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है, और एक मुझे ज्यादा पसंद आ चुकी है, बाद में बताऊंगा कौन सी। पहले दाल मखनी ट्राई करते हैं। बताना बताना बाय बाय। दाल मखनी की शक्ल तो काफी सही लग रही है, गाढ़ी लग रही है दाल, बहुत बढ़िया, नाइस, डिसेंट इनफ। आई मीन ये थोड़ी और बटरी होती तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड मोर, बट इसका टेस्ट बुरा नहीं है, मैं खा सकता। थोड़ी और थिक दाल होती तो और मजा आता। दरियागंज की ट्राई करते हैं, क्या पता दरियागंज की अच्छी। ठीक है ये भी थिक लग रही है, इससे ज्यादा थिक है भाई, बिल्कुल सेम। अगर मुझसे आप टेस्ट के मामले में पूछोगे ना, तो मैं एक मिनट जरूर जाया कर चुका हूँ। अभी पनीर मखनी, अबे बाहर में जा पनीर मखनी, मैंने खानी नहीं पनीर मखनी। आप बताओ आपको फर्क पड़ता है घंटा की पनीर मखनी किसकी ओरिजिनल है? वेरी नाइस, मोती महल की पनीर मखनी बहुत खूब, और थिकनेस और रिच होनी चाहिए थी और मजा आता।
दूसरी तरफ ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्रिपरेशन में थिक काफी है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर वो मिठास, वो परफेक्शन मिसिंग है। तो अगर इसी नोट से आप समझ गए, और मैं अगर एक विनर अनाउंस करूं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर, तो मेरे ख्याल से एक्चुअल रेसिपी जो बिलोंग करेगी ना बटर चिकन और दाल मखनी की, वो करेगी मोती महल डीलक्स को। भाई इनका टेस्ट लाजवाब, एकदम फैंटास्टिक। ये जिसको अपना ओरिजिनल बटर चिकन कह रहे हैं ना, वो स्टैंड अलोन डिश के मामले में आपको अच्छा लगेगा, आप सिर्फ इसको खाओगे यू लाइक इट, बट अगर आप कंपैरिजन करोगे इससे तो कहीं ना कहीं वो फीका पड़ जाएगा। और इसलिए इस रेस में तो मोती महल डीलक्स बाजी मार गया। आपको किसका बटर चिकन ज्यादा पसंद है, मोती महल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो का सजेशन कमेंट सेक्शन में देते जाना।